ये फिर वो एक मदनी उन्होंने पॉइंट मुझे दिया है। कहते हैं आप करमात का मजाक ना उड़ाएं ज्यादा से ज्यादा जो आपके पास गुंजाइश है वो ये है कि आप ना माने मसद के। आप दीन का मजाक उड़ाएं इन कहानियों के जरिए कुरान बुखारी मुस्लिम को आप तख्ते मश्क बनाए हमारे सरों पर जूतियां मारें हमें रोने भी ना दें सरकार पहले हम लोग रोया करते थे इस प्लेटफॉर्म ने कहा रोना धोना बंद करो इनको चैलेंज करो ओसैनी बन के ये बनू मैया पार्टी दीन को ले बैठी है अब तुम लोगों ने रोना है क्या मतलब इंशाल्लाह तुम लोगों ने नोहे करने हैं कहते ना माने क्योंकि ये सब अखबार और रवायात ना कतियु सबूत है ना दलाला है और ना जरूरियात दीन में से है कि इनके इनकार पर किसी की तकफीर की जाए या उसे दाल और मुदिल कह दिया जाए जी मुफ्ती साहब ने मनु क्या है कि ना हम आपको गुमराह कहेंगे ना गुमराह करने वाला कहेंगे दाल मुदिल ठीक है ना ये करामते कतियु सबूत और कतियु दलाला है ना यह जरूरिया दीन है कि इसका इनकार करने से कोई काफिर हो जाए ना काफिर हो ना गुमराह हो ना गुमराह की तरफ बुलाने वाला हो तो इसका क्या मतलब है अदायित है और क्या मतलब है कोई और मतलब निकलता है एक शख्स गुमराह भी ना हो काफिर भी ना हो जरियात दीन का इनकार भी ना कर रहा हो मुसलमान और फिर खुद माने ना ये कतियु सबूत है ना सरकार ये अगर कतियो सबूत और कतियु दलाला नहीं है तो सुनादे क्यों हो? हार जुमे के खुतबे में करामतों से शुरू होकर खत्म होते हो कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं होती तुम लोगों को अंदाजा करें फिर वो सत्रह नंबर पॉइंट में इस बात का भी जवाब दे रहे हैं जो मैंने यह भी कह दिया उन्होंने कहा है मैं अपने उलमाय कर दरखास्त करता हूं मैं के इंजीनियर साहब के शर से बचने के लिए ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है यानी मैं कह रहा हूं ये औली क्राम और उलमायबानी की इल्मी और अमली जिंदगी को लोगों के सामने बयान किया करें जिसमें उनके लिए नमूना अमल हो और उनकी इतबाह पर आमादा करें और इल्म की तरफ रागिब करें सूर्य फातिहा में भी अल्लाह ताला ने हमें अपने इनाम याफ्ता बंदों की राह पर चलने की दुआ तालीम की है वो कह रहे हैं इल्मी रविश इख्तियार करें लोगों को कहें कि बुजुर्गों की करामतों के चक्रों में ना पड़े जो उन्होंने इल्मी खिदमात की है जो इल्म की बात की आप उसे फॉलो करें बिल्कुल सरकार हम भी यही कह रहे थे फिर आगे उन्होंने कसीदा गौसिया का शेर लिख दिया है अब्दुल गादर जिलानी ने जो खुद अपने बारे में कहा कि मैंने इल्म हासिल किया हती कि मैं मकाम कुतबियत पर फायज हुआ और मैंने सल्लल्लाहु सल अलैहि वसल्लम से सदत को पा लिया यानी रसुल्ला की पैरवी करके अल्लाह ने मुझे ये मरतबा दिया ये शेख कादर जलानी का कसीदा गौसी का शेर उन्होंने पेश किया कि अब्दुल्कादर जलानी ने यह नहीं कहा कि मेरी करामते बयान करो उन्होंने कहा कि इलमी बात करो सरकार ये कौन बात करे हम ही तो कह रहे हैं कि कोई इलमी बात करो ना मैं बा भी नाम बाभी मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी मुफ्ती साहब भी इल्मी किताबी बातें कर रहे हैं ये इसके ऊपर उन्होंने कंक्लूड किया अपने फतवे के ऊपर कि अब आप जुम्मे के खुतबों में इल्मी बातें किया करें बुजुर्गों की तालीमत कुरान सनत की रोशनी में जो है वो बयान करें यही बातें जब हम करते थे अच्छा ये बताएं ये कौन से बुजुर्ग हैं जिन्होंने कहा है इल्म बस करी और यार इंजीनियर साहब का कोई स्टूडेंट है जो इल्म का मजाक उड़ाता रहे बताएं इक्स बाबे का शेर है इश्क दे चले नंबर ले गए अकल वाले ही गालियां इश्क के जो पागल है वो नंबर ले गए अकल वाले तो अपनी जिंदगी जया कर बैठे और कुरान कह रहा है कि अकल वालों ने अपनी जिंदगी बचा ली है हल यालमून यालमून ला ऐ या नबी तुम फरमाओ भला इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं नसीहत तो हासिल नहीं करते मगर अकल वाले इश्क दे चले नहीं सर हमारे नबी को क्या दुआ सिखाई गई एल्ला मेरे इश्को सुरू में इजाफा कर दे या करबनी किया करें आप भी अपने रब के हजूर कि मेरे इल में इजाफा कर दे जी सुनने बुरे माजा में जो हदीस है उम्म सारी माँ कहती हैं रसुल्ला फजर का सलाम फेर के दुआ मांगते थे जी, अल्लाह की खशियत और मार्फत तो नहीं मगर सिर्फ अहल इल्म को अकल के चलोगी बात कहां हो रही है पूरे का पूरा ताना बाना इल्म के है। अंबिया की विरासत क्या है इल्म। हर चीज इल्म के गिरद घूमती है कुरान इल्म की बात करता है अल्लाह ने अहल ईमान की निशानी क्या बयान की है, उलुल इल्म। इल्म जो है ना इंसाफ पर जो कायम हस्ती है उसके तोहीद के ऊपर अहले इल्म भी गवाह है इल्म से बात शुरू होकर इल्म पे ही खत्म होती है दीन पूरे का पूरा इल्म है और यहां पे इल्म का ये लोग मजाक उड़ाते हैं खैर मुफ्ती साहब ने मान लिया कि ये आप लोग इल्मी खिदमात करें वरना इंजीनियर साहब आपका मजाक उड़ाएंगे सरकार आप मजाक क्यों ना उड़ाएं मेरे भाई जब आप ये कहें कि ऊपर देखा तो सोना नीचे देखा तो सोना तो कुछ शख्स खड़ा होगा ना कि बाबा जी बाबा जी फिर आपको रॉन्ग नंबर भी वो कहेगा मुर्शिद पाक याद आ गए मिस भाई साहब ने आज से दो साल पहले कहा था ये क्या हुआ तेरी किताबें तेरा कमरा तेरे ही लोग सरकार ना ये किताबें मेरी हैं ये किताबें हमारी सांझी हैं कुरान बुखारी मुस्लिम ये लोग तो बिल्कुल मेरे नहीं है ये आपके थे जो आपका फिरका छोड़ के आए हैं ये अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल के उम्मती है, जल्ला, वाले और भी मेरा नहीं है अकेला आना है बॉडी गार्ड ले आए वो कराची के मुफ्ती की तरह नहीं आना भागने के लिए साथ मौलवी अटैच करके अकेला आना है बॉडी गार्ड दस ले आओ बेशक कोई मसला नहीं है अकेला आना है आओ कभी बुलाना हमें भी फिर तू भी हमें बता के बाजीत क्या है मैं भी तुझे बताऊंगा मैंने जो आपको बताना था कि बाजीत क्या है वो तो मैंने आपकी पब्लिक को भी बता दिया है उसके बाद अब आप हमें आके क्या बताएंगे कि बाजीत क्या है सुबह लिवाई लिवाई मोहम्मद ये बताएंगे आप आके अच्छी तो पहले ना तो फटा पा लेना है कि जाफर सादक हो के ना उन्हें अपना कुनीत रखी है अबू यजीत है और हमारे इमाम ने अपनी कुत रखी अबुल मुस्लिम बिन ये भी में हुए हुए हिजरी के अंदर दुनिया से तशीफ ले गए पर्दा शरीफ फरमा लिया उनको क्या पता था कि उनके पर्दा फरमाने के बारह सौ साल के बाद आके को पर्दा उठाएगा उनसे हमने इनके घुट उठाए हैं कि देख लो जनाब वैसे तो बड़ा प्यारा जुमला है लेकिन वो फिर जरा सेंसर हो जाएगा मैं इधर नहीं बोलता तो अल्लाह का शुक्र है ये हम यही तो बता रहे हैं कि ये आप ना बताएं ऊपर देखा तो सोना नीचे देखा तो सोना तो आप आए इधर आके बयान करें हम आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे और कहता चलाना लाइव लाइव ही चलाएंगे हम तो चाह रहे हैं कितने लोगों को पैगाम भेज चुका हूं फिजिकली उन्हें जाके कहा कि भाई हमारे स्टूडेंट्स ने कि आए इंजीनियर साहब से मिले तैयार हैं वो मिलने के लिए सरकार जब आप ये बातें करेंगे ऊपर देखा तो सोना और आप दलील आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे जी वो दाता साहब के एक पीर भाई ने दाता साहब के मुर्शिद के बारे में ये चीज नकल की है कि वो जब वो इनका पीर भाई दरख्त पे चढ़ा तो उनके मुर्शिद अबुल फजल खुतली नीचे थे वो खास कैफियत में थे और वो कैफियत ये थी कि उनको उनके बाल लंबे हो रहे थे तो पैसे नहीं थे कि नाई के पास जाते तो कहा कि अल्लाह मुझे थोड़ी सी रकम दे दे तो बस ऊपर देखा तो सोना नीचे देखा तो सोना वो कहते हैं दरख्त भी सोने का उसके पत्ते उसकी टहनिया भी सोने की होगी हा ना भी नाल हा ना हाँ मेरे को वीडियो पे भी होती मैं खुद देखा सी हा ना हाँ दत्ता मजूब में लिखते हैं ये फिक्रे उनकी जुबान से तब बदाव हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था अफरमत खुदा की इज्जत अजमत की कसम पूरा दरख्त उसकी टहनिया उसका तना उसकी जड़े भी सोने सोने की हो गए। सारा। हाँ। सारे सोने का हो सारा, सारे का अब वो जो है सोना बाएं देखा तो सोना आगे देखा तो सोना पीछे देखा तो सोना अब बाबा जी ने काम किया था क्यों नहीं मिट्टी टेमा फड़ान लिया और कहां से पकड़ा मिट्टी है ही नहीं जहां तक नजर जाती सोने बाबा जी बाबा जी एक सवाल है बाबा जी अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा जवाब बाबा जी जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी आजा जवाब हरिओम हरिओ हरिओ ये रॉन्ग नंबर है तो सरकार हम तो फिर एक सिंपल सी बात करेंगे सूर्य अतोबा की आयत नंबर नाइनटी टू पारा नंबर टेन के आखिरी सफे पे है नबी जब ये आराबी लोग गरीब लोग आपके पास आते हैं गजब तबूक के मौका पर क्या आप हमारे लिए कोई सवारी और रास्ते का सामान अरेंज कर दें हम भी आपके साथ जाकर तबूक में रोमन अंपायर के खिलाफ जो डेढ़ लाख की फौज लेकर आया है और आपके साथी तो सिर्फ तीस हजार है आपके पास मैन पावर की भी कमी है हम चाहते हैं कि आप किशाना बिशाना लड़ें सात सौ किलोमीटर का सफर है हमारे लिए एक ऊंट अरेंज कर दें और रास्ते का सामान तो हम भी आपके साथ जाएंगे और नबी तुम कहते हो कि मैं कोई चीज ऐसी नहीं पाता जिसके जरिए मैं तुम्हारी को मदद कर सकूं हाय हाय और तुम देखते हो कि ये साथी जब तुमसे वापस होते हैं तो इनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं उस गम के सबब कि हम अपने नबी के साथ जिहाद नहीं कर सकेंगे तो फिर हम आपसे पूछेंगे ना सरकार रसुल्ला ने ऊपर देखा तो सोना नीचे देखा तो सोना दाएं देखा तो सोना बाएं देखा तो सोना उस वक्त क्यों नहीं किया जबकि जरूरत थी वो तो तिरमजी में आ रहा है कि हजरत उस्मान बिन इस्लाम को सोने की अशरफिया और साजो सामान दिया और इस्लाम खुशी के आलम में उसे उलट पलट करते थे और फरमाते थे उस्मान जन्नति है आज के बाद जो मर्जी करे और हमें ये लोग कहते हैं कि जी कोई बड़े से बड़ा गोश कुतुबाल भी हजरत वाशी के घोड़े के कदमों की खाद जो उसके नाक में लगती है उसके बराबर नहीं है तो किसी सहाबी ने भी ये कुछ नहीं किया सरकार अगर इस्लाम और उनके साहब कराम का ये स्टेटस है कि दुनिया बकदर एफर्ट है तो शेयर ही कोई नहीं